कल एक वीडियो मैंने डाला था जिसमें कि हाथ धोने का तरीका और जो किस तरीके से काम करना है इसके बारे में हमने आपको बताया था, और उसके कमेंट्स हमने देखे तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने सराहना की उसकी। बट कुछ हमारे पास क्वेश्चन भी आए हैं, हमारे एक कोटेदार हैं, देखिए उनका नाम है, आपको बताता हूँ मैं, तौहीद खान। तौहीद खान जी ने कहा है कि 150 प्लस कार्ड हैं हमारे यहाँ, और अगर सबको हाथ धुलवाएंगे तो एक दिन हाथ ही धोने में निकल जाएगा। तौहीद खान जी, आप इस तरीके से बात कर रहे हो जैसे पूरे जीवन हमको हाथ ही धुलवाने, ये एक महामारी है और इससे बचने के लिए हमको ये करना ही पड़ेगा, चाहे तो हम हंस के करें चाहे तो परेशान होके करें, हमें करना ही है। इसमें कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप अपनी जनता से बोल दो अपने घर से हाथ धोकर आए, लेकिन सबकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर आपको कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में, अगर आप प्रश्न करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही इस पर प्रदर्शित होती है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा तौहीद खान जी कि आप इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आज 25 तारीख की बात थी तो इसमें आपको 10-20 आदमी ही होंगे लेने वाले, जो बच्चे होंगे विदाउट इनका अंगूठा नहीं लगा होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर एक आदत डाल दी जाए तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता, आपकी लाइन लगी हुई है, लोग हाँ हाँ दो किला आ रहे हैं सीरियल से, क्या दिक्कत है, कोई टाइम नहीं लगेगा। लेकिन प्रश्न करने के लिए हम किसी भी चीज़ में कमी निकाल सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप कमियों पर ध्यान ना दें, आप विशेषताओं पर ध्यान दीजिए, जो जरूरी है उसे हमें करना ही करना है। दूसरी चीज, एक कमेंट हमारे पास आया कि 24-25 में वीडियो बना रहे हैं, 5-6-7 में बनाते, 5-6-7 में इतनी तीव्रता नहीं थी इस समस्या की जो अभी चल रही है देश में, ये समस्या अभी जाकर बढ़ी है, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप इन ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कब बनाना है, हम जब से भी अच्छा काम करना शुरू कर दें तब से ही अच्छा, कोई इसमें समस्या नहीं है, हम अच्छाई जब से शुरू करें वो अच्छी ही मानी जाती है। टाइम बहुत लगने के लिए बोला है तो टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, लेकिन हमें मैनेज करना है, हम एक चीज़ से लड़ रहे हैं, एक मुसीबत से लड़ रहे हैं हम, उससे हमें लड़ने के लिए थोड़ी दिक्कत तो उठानी पड़ेगी, जनता भी करेगी। अगर आप सही से जनता को मोटिवेट करते हो, जनता को समझाते हो, हालांकि समझाने के लिए कोई नहीं बचा है, सब लोगों के पास टीवियां हैं, सभी लोग देखते हैं, मोबाइल से जुड़े हैं, हर व्यक्ति को पता है क्या करना है, इसलिए ज़्यादा हमको टेंशन नहीं लेनी है, हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी पता है। तो अब आज के वीडियो पर हम चलते हैं। हाँ, 25 तारीख एक अंगूठा की आज का जो उजाला सिंह ने डाला था, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, 11 बजे के बाद कुछ दिक्कत आई है, सर्वर की दिक्कत आई है, लेकिन फिर चलती भी है, चल भी रही है मशीन अभी, और बीच बीच में थोड़ी समस्या आई लेकिन मशीन तो ओवरऑल चली है आज, और जो भी लोग रह गए थे उनके अंगूठे भी लगे हैं। तो अब चलते हैं हम आज के विषय पर कि हमने ये आज का वीडियो क्यों बनाया है। आज का वीडियो हमने बनाया है कि अब की बार जो नेक्स्ट वितरण आने वाला है उसका आदेश आ चुका है, जो हमारा राज्य सरकार की तरफ से जो एक आदेश आया हुआ है सारे DSOs के लिए, कि जिला पुलिस अधिकारियों के लिए आदेश आ चुका है कि अब की बार जो नेक्स्ट महीना हमारा अप्रैल आ रहा है इसमें पहली तारीख से ही वितरण करवाना सुनिश्चित करें। यानी अब की बार जो वितरण है वो पहली तारीख से ही शुरू हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि PDS से ही होगा, मशीन से ही होगा, और जैसे अंगूठा लगते हैं वैसे ही लगेगा, और उनका जो भी गल्ला वल्ला जो भी होगा उनका उठान वगैरह मेरे ख्याल से आप लोगों ने शुरू कर ही दिया है, तो अब की बार जल्दी वितरण होगा। कुछ लोग पूछेंगे कि वो फ्री वाला क्या एजेंडा है, कि वो फ्री कैसे देना है, इसके लिए भी हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं आया है, जियो कोई आदेश नहीं आया है जिसके आधार पर हम आपको कुछ क्लियर करके बता सकें, तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, जैसे कोई नया अपडेट आएगा हम पूरा आपको बाकायदा पूरा आदेश पढ़ के सुनाएंगे, सब कुछ बताएंगे वरन। लेकिन जो आज का हमारा वीडियो है इसका मुख्य पर्पज आपको ये बताना है कि पहली तारीख से ही इस बार वितरण प्रारंभ होगा, अप्रैल की पहली तारीख, तो पहली अप्रैल से इस बार वितरण शुरू हो जाएगा, और इस बात की आप खबर भी कर दीजिए अपने गांव में, लोगों को बता दीजिएगा, लेकिन अभी बताना मत क्योंकि हो सकता है सरकार कुछ चेंज करे, अभी तो सुनने में आ रहा है कि वो होम डिलीवरी कर सकते हैं, सुनने में आ रहा है कोई और प्लान करेंगे, जो भी प्लान होगा आपको पहली तारीख तक क्लियर हो जाएगा, इसलिए आप तैयारी रखिए, क्या होता है सरकार खुद ही नोटिफिकेशन देगी, आपके लिए आदेश आएंगे, और हो सकता है कि फ्री बांटने वाला राशन अलग से आए या जो भी करना है, मैं अभी कुछ भी क्लियर नहीं करता हूँ, जैसा भी होगा हम आपके लिए हैं, आपको तुरंत सूचना देने के लिए हैं, आपको तुरंत उसके बारे में बताने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इसी के साथ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं अनुपम दीक्षित, बहुत बहुत धन्यवाद।